स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस नाम है ना यार, और प्रेशर है, ये इस टाइम पे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। और अभी सुनने में आया है कि नीट की डेट भी आ गई है, कुछ ही दिनों के बाद तुम लोग का एग्ज़ाम भी होगा। यार इस टाइम पे ना तुम काफ़ी डिप्रेस्ड हो, तुम बहुत कुछ सोच रहे हो। पूरे साल की मेहनत यार, वो 3 घंटे, वो कुछ क्वेश्चंस, और वो उतनी हमारी मेहनत, रोज़ सुबह उठना, ना खाने की चिंता, किसी भी चीज़ की फिक्र ना करते हुए उठना, पढ़ना, क्लासेस जाना, DPPs लगाना, वो MCQs लगाना, वो PYQs लगाना, वो प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन निकलना और खुश होना, और कभी कभार आसान सा क्वेश्चन ना बने तो एकदम से डिप्रेस्ड हो जाना। हर पल में लगता है कि होगा या नहीं होगा, बार बार सोच रहे होते हैं बस क्या होगा या नहीं होगा। लेकिन दोस्त यार, मेहनत की है ना यार, पढ़ा है ना यार, ईमानदारी के साथ मेहनत की है ना यार, तुम्हें क्या लग रहा है बस तुम पढ़ रहे हो क्या यार? अभी क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, पूरी रात जाग रहे हो, सुबह कोचिंग जा रहे हो, बहुत स्ट्रेस है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे लिए ना कोई भूखे प्यासे घर में भी बैठा है यार, जो हर वक्त भगवान के साथ लड़ाई कर रहा है कि मेरा बेटा लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। तुम्हारे माँ बाप की दुआएं तुम्हारे साथ हैं यार, उनकी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी ईमानदारी, मेहनत, तुम्हारी बुक्स, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो। डिप्रेस्ड होना, बिल्कुल भी डिप्रेस्ड नहीं होना यार। माना मैंने, चिंता होती है, बहुत टेंशन होती है, बार बार ये टेंशन होती है कि अगर नहीं होगा तो क्या करूँगा। कईयों ने तो ड्रॉप किया यार, कईयों के तो 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, 4 साल हो गए, लेकिन अभी भी टेंशन सताई जा रही है कि इस बार होगा या नहीं होगा। एक बार यार ईमानदारी से अपनी आंखें बंद कर ले दोस्त, और बस रिमाइंड कर कि तूने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, तूने कितना पढ़ा है, तूने कितनी मेहनत की है, कितना ईमानदार रहा है अपने सब्जेक्ट के साथ। तुम मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, अपने माता पिता का चेहरा सामने ले आ यार, उस दिन को याद करके जिस दिन तू उनको कॉल करके बताएगा कि तेरा पेपर हो गया, तेरी सिलेक्शन हो गई, उस टाइम का जो इम्प्रेशन, उस टाइम की जो खुशी, उस टाइम के तुम्हारे माँ बाप की जो चेहरे की चमक होगी ना यार, वो तुम्हें सोने नहीं देगी यार। अभी तुम अगर ये सोच रहे हो कि नहीं होगा, तो ऐसे नहीं चलेगा यार, ऐसे चल ही नहीं पाएगा। एक बार पढ़ ले यार, एक बार लगा ले यार, पूरा लगा ले, अभी भी तेरे पास बहुत टाइम है यार, मेहनत कर, अभी भी तेरे पास बहुत दिन है दोस्त, अभी हिम्मत मत हार। इस टाइम पे पूरे साल तू पढ़ लिया यार, और इस टाइम पे तू बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। अभी मेरी बात सुन ली ध्यान से, बस ऑडियो बंद होगी, फ़ोन बंद कर यार, बुक्स निकाल, और आज को अपना पहला दिन मान के प्रेपरेशन तेरी अभी से शुरू हो चुकी है। 20-21 दिन में तू क्या करता है यार, 21 दिन बहुत होते हैं मेरे भाई, बहुत ज़्यादा होते हैं 21 दिन। फोड़ के रख दे एग्ज़ाम को यार, फोड़ के रख दे, एक बार अपनी जान लगा के देख, मेहनत कर यार, एक बार ईमानदारी के साथ लग जा, डट जा, और तेरा ज़रूर होगा, तेरा ही होगा, जो तू पढ़ेगा वही एग्ज़ाम में आएगा, बस मेहनत कर ले यार, पढ़ ले दोस्त, पढ़ ले, बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट, बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर डॉक्टर, थैंक यू।